फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नॉलेज सपोर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पेपर साइज़, जैसे बिल बुक, लेटर और पॉम्पलेट्स अगर बनाना है तो उसके लिए किस साइज़ का पेपर यूज़ करेंगे, उसको किस साइज़ में काटेंगे और क्या क्या साइज़ होती है। तो आज उसी सब्जेक्ट में हम आपको एक बिल बुक बनाना बताएंगे। पेपर साइज़ है 5.5x9, जिसे प्रिंटिंग लाइन में 8 का साइज़ बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। देखिए कि आज जो हम बिल बुक बनाएंगे उसका जो विड्थ है वो 5.5 होगा और हाइट होगा 9, यानी साइज़ 8। यानी कि यूँ जो पेपर साइज 9 होगा और यूँ आपका 5.5। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे बना के रखा है। देखिए ये आपका जो पेपर साइज का एक बॉक्स बना रखा है, जिसको मैंने हल्की डैश वाली लाइन में शो कर रखा है। देखिए 5.5x9, देखिए 5.5x9 ये मैंने शो कर रखा है। उसके अंदर एक ये बिल बॉक्स वगैरह का डिज़ाइन मैंने बना रखा है। आज इन्हीं सारी चीज़ के बारे में सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है, कैसे नहीं बनाया जाता है। तो मैं इसको उठा के देखिए साइड में रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। इधर बिल्कुल मैंने साइड में रख दिया है इस तरह से। इन सारी चीज़ों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इनको मैं साइड में उठा के रखता हूँ इस तरह से। ये रख दिया मैंने। अब देखिए मेरे को क्या करना है। सबसे पहले एक बॉक्स लीजिए। बॉक्स का जो हाइट एंड विड्थ है वो यहाँ से 5.5x9 करिए, एंटर प्रेस करिए। तो ये एक आपका बॉक्स बन गया जिसका विड्थ है 5.5 और हाइट है 9। अब आपको क्या करना है कि एक और बॉक्स बनाना है इसके अंदर, जैसे ये बना हुआ है, क्योंकि ये तो पेपर साइज का बॉक्स हो गया। और इसके अंदर हमें बनाना है डिजाइनिंग एरिया, जिसे कहते हैं प्रिंटिंग एरिया। प्रिंटिंग एरिया और डिजाइनिंग एरिया प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रिंटिंग एरिया क्या होता है, डिजाइनिंग एरिया क्या होता है। तो उसको समझने के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है 5.5x9। तो हमने बना लिया 5.5x9 का बॉक्स बना लिया। अब इसके अंदर देखिए और दूसरा बॉक्स बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे आइए देखिए टूल्स में, और ये आपका है कॉन्टीट्यूल। कॉन्टीट्यूल यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है तो एक लिखे, उनके बीच में कितना गैप चाहिए। तो हमें हाल फिलहाल अभी आपको 1/2 इंच का गैप चाहिए। 1/2 इंच यहाँ पर डिसाइड करिए और एक बॉक्स बनाना है। और यहाँ पे ध्यान हमेशा कि इनसाइड ये ऑप्शन एक्टिवेट रहे, क्योंकि हमें मेन बॉक्स इनसाइड बनाना है। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे गलत हो जाएगा, यहाँ पे किसी क्लिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। आपको मिड वाले बटन पे क्लिक करना है और स्टेप्स 1 चाहिए और एंटर। इस तरह से दो बॉक्स बन चुके हैं आपके, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे ब्रेक अपार्ट कर दीजिए। तो मैंने ब्रेक अपार्ट कर दिया, ये बॉक्स अलग हो गया और ये बॉक्स अलग हो गया। तो देखिए मैंने पेपर साइज 5.5x9 का बॉक्स बनाया, फिर उसके अंदर ये क्यों बॉक्स बनाया। तो देखिए ध्यान रखिए कि हम कोई बिल बुक बना रहे, लेटर बना रहे, पम्पलेट बना रहे, 8 का साइज 5.5x9 होता है, तो 5.5x9 का बॉक्स बनाया। अब क्या होता है कि उसके पेपर के चारों साइड अंदर की तरफ हमें कुछ मार्जिन छोड़ना पड़ता है। यहाँ पर देखिए तो वो कितना मार्जिन छोड़ना पड़ता है, जनरल मान के चलिए आपको 1/2 इंच मार्जिन इन साइड की तरफ छोड़ना पड़ेगा। चाहे लेटर हेड बना रहे हैं, बिल बुक बना रहे हैं, पम्पलेट बना रहे हैं, जो मेन साइड का पेपर 5.5x9 है उसके इन साइड जो देखिए गैप, आप जो मार्जिन छोड़ेंगे, जिसे कहते हैं मार्जिन छोड़ना, वो आप 1/2 इंच मार्जिन छोड़ेंगे। जो सेकंड जो बॉक्स बना है वो हमने क्या किया, चारों तरफ उसका 1/2 इंच हमने कम कर दिया। तो देखिए बॉक्स का साइज हमारे पास रहा है 4.5x8, यानी कि 5.5 में से 1/2 इंच इधर का लेस हो गया, 1/2 इंच इधर का लेस हो गया, तो हमारे पास बचा 4.5 में से 4.5। टोटल इसका जो हाइट है 9 है, तो वही 1/2 इंच इधर का लेस हुआ, 1/2 इंच इधर का लेस हुआ, हमारे पास बच गया 8। यानी ये हमारा एक्चुअल वर्किंग एरिया, ये हमारा डिजाइनिंग एरिया, यही आपका पेपर पे प्रिंट होगा। अब डिसाइड ये करना है कि हमें बिल बुक बनाना है, लेटर हेड बनाना है, पम्पलेट बनाना है। तो ध्यान रखिए अगर पम्पलेट बना रहे हैं या फिर लेटर हेड बना रहे हैं तब तो ठीक है ये पोजीशन, पर अगर बिल बुक बना रहे तो होता है क्या है बिल बुक में कि वो ऊपर की साइड से बाइंडिंग होता है, तो जिस साइड से बाइंडिंग होता है वहाँ पे कुछ हमें एक्स्ट्रा मार्जिन और ड्रॉप करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि बिल बुक क्या होता है कि यहाँ से वो बाइंड होगा और बाइंड के लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा मार्जिन कितना छोड़ना पड़ेगा, जनरल आपको एक्स्ट्रा जो मार्जिन छोड़ना पड़ेगा 1 इंच छोड़ना पड़ेगा, यानी 1/2 इंच तो आप छोड़ चुके हैं और जो और छोड़ेंगे आपको 1 इंच और छोड़ना पड़ेगा। यानी इस बॉक्स का जो हाइट है अभी 8 इंच है, वो इस बॉक्स का हाइट हो जाएगा 7 इंच। बिल्कुल 7 इंच हो जाएगा, ये ऑन एवरेज है। कई लोग 7 इंच की जगह 7.5 भी कर देते हैं, वो एक अलग चीज़ है, पर जनरल
कि हाफ हाफ इंच तो ये जनरल मार्जिन छोड़ा है, और अगर बिलबुक आप बना रहे हैं और अगर ऊपर की साइड से बाइंड हो रही है तो बाइंड के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना पड़ेगा, वो अप्रोक्स आपको एक इंच छोड़ना पड़ेगा। तो हाफ इंच आप पहले छोड़ चुके हैं, एक इंच और छोड़ेंगे तो जो टॉप साइड का जो मार्जिन है वो आपका टोटल डेढ़ इंच हो जाएगा और बॉटम आपका हाफ ही रहेगा। अब टॉप साइड का आप डेढ़ इंच मार्जिन कैसे छोड़ेंगे, या तो ये रूलर पिक करें यहाँ से, और यहाँ पे जो मेन बॉक्स है पेपर साइज वहाँ पे क्लिक करें, फिर इस बॉक्स को सिलेक्ट करें, हल्का सा इसको दबाएं, बिल्कुल। तो देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो साइज ऑटोमेटिक डिक्रीज हो रहा है, देखिए हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट 7 इंच कर देना है, यहाँ पे बिल्कुल 7 इंच कर देना है यहाँ पे। और अगर यहाँ से 7 इंच में थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका और भी दूसरा तरीका है, वो कहाँ से करेंगे, यहाँ पे आइए आप, अरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, इस ये थर्ड ऑप्शन, सॉरी फोर्थ ऑप्शन, बॉटम साइड में क्लिक करिए, यहाँ पे 7 लिखिए और अप्लाई कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक आपका ये टोटल 1.5 बिटवीन गेप हो गया पेपर साइज और डिजाइन, चाहे तो आप स्केल कर सकते हैं, देखिए गाइडलाइंस से। और ये आपका डेढ़ इंच मार्जिन यहाँ देखिए, ये स्केल हो गया। ओके, ये सब कुछ करने के बाद में अब आपको क्या करना है, मेन बॉक्स है इसका आउटलाइन आपको डैश में कर देना है, यानी जैसे मैंने यहाँ पे किया था उसको, यहाँ पे आइए आउटलाइन पेन पे आइए और यहाँ से उसका जो स्टाइल्स है वो स्टाइल्स वगैरह चेंज कर दीजिए जैसे भी आप चाहें, ठीक है। और थोड़ा सा इसका विड्थ वगैरह बढ़ा दीजिए, शोनी और इस तरह से, इसका मतलब ये पेपर साइज है, इस डैश वाली बॉर्डर का मतलब ही होता है पेपर साइज, और ये हमारा डिजाइनिंग एरिया, तो हमने यहाँ तक डिसाइड किया कि ये हमारा पेपर साइज है, ऊपर आपको इतना मार्जिन छोड़ना है, राइट साइड इतना, लेफ्ट इतना, बॉटम इतना, और ये हमारा वर्किंग एरिया जिसमें वर्क करना है, ये हमारा प्रिंटिंग एरिया जिसमें काम करना है। अब देखिए बिल्कुल में जनरल पार्टी के टिन नंबर भी होते हैं, कैश क्रेडिट मेमो भी होता है, टेलीफोन नंबर भी होते हैं, तो वो सारी चीज़ हमें यहाँ पर टाइप करें, तो उसके लिए थोड़ा जूम कर लेते हैं ऐप से, इस तरह से जी मैंने जूम कर लिया है, बिल्कुल जूम कर लिया मैंने, और टेक्स्ट टूल लीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट में हूँ, बीच में स्लैश लगा दीजिए आप इस तरह से, और इसको बिल्कुल बॉक्स के सेंटर में रख दीजिए आप इस तरह से उठा के बिल्कुल, या एक बार बॉक्स पे क्लिक करिए, ये सेंटर जो नोड आ रहा है इस पर गाइडलाइन डाल दीजिए, आपको पता रहेगा कि सेंटर का, इस पर आप सेंटर में इसी का प्लस कर लीजिए, इधर ले आइए, यहाँ पे आप टेलीफोन नंबर लिख दीजिए, राइट टॉप जो भी आपके कॉन्टैक्ट नाम से, और इसका राइट अलाइन कर दीजिए यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से आप राइट अलाइन कर दीजिए। अगर आपकी फॉर्म है और उसका वो टिन नंबर है तो टिन नंबर भी आप लेफ्ट साइड टॉप यहाँ पे लिख दीजिए टिन नंबर, जो भी टिन नंबर है वो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए, टिन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपके टैक्स नंबर है इस तरह से। अब देख लीजिए ये जो मैटर लिखा है ये टॉप में इक्वल है या नहीं है, अगर देखना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ इसको, और सिंपल सा टी कमांड प्रेस करें कीबोर्ड, सिंपल टी, तो ये इक्वल आ जाएंगे टॉप में, यानी इसका ये जो हाइट का और ये जो बॉक्स और टैक्स मैटर के बीच का गैप वो इक्वल हो जाएगा। इसके बाद में हमें फर्म का नेम जैसे इकोसॉफ्ट इंडिया लिखा है या और कोई दूसरा फर्म का नेम भी हो सकता है, वो आप फर्म का नेम लिखें, टैक्स टूल लें, जो भी फर्म का नेम है वो यहाँ पर लिखें, और पॉइंटर टूल लें, ड्रैग कर दे साइज जो भी आप चाहते हैं इस तरह से, और यहाँ से आप जो भी फॉन्ट यूज़ कर
जैसा भी आपको फॉन्ट लेना है यहाँ से, जो भी चूज़ करना है यहाँ से आप चूज़ कर ले, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ से फॉन्ट ले लीजिए, जिस भी स्टाइल में आपको चाहिए यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, और आप अपने हिसाब से साइज भी साइज वगैरह कर सकते हैं इस तरह से क्लिक करके, और जहाँ रखना चाहें आप रख सकते हैं इस तरह से। सिंपल लाइन ले लीजिए, लाइन टूल ले लीजिए, ये वाला फ्री है, क्लिक करें, और अगर स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हैं कंट्रोल को पुश करके कीबोर्ड से, और इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। सेंटर लेना, लाइन को सेलेक्ट करें और देखिए आ रहा है सेंटर, इस तरह से क्लिक करके हल्का सा ड्रैग करके सेंटर में लाइन। एड्रेस के लिए वही, जो भी आपका शॉप नंबर एड्रेस वगैरह ऑफिस नंबर शॉप नंबर जो भी हो आपका वो लिखें, एड्रेस जो भी हो, और उसको भी सेंटर में अलाइन कर दें इस तरह से। फिर जैसे बिल बुक है और डेट आपको लिखना है, बिल बुक और डेट भी लिख लें यहाँ पे, यहाँ पे आप बिल नंबर लिखें, बिल नंबर लिखें, और मैं थोड़ा एंटर मार के डेट लिख देता हूँ, डेट और डेट लगा देता हूँ थोड़ी देर के, और साइज तो लिखने के बाद में इनको दोनों तो सेपरेट कर लूँगा, अरेंज जाके ब्रेकअप आ, ये सेपरेट हो जाएंगे, डेटा अलग हो जाएगा, बिल नंबर अलग हो जाएगा, और यहाँ पर मैं इसको रख दूँगा इस तरह से। ये दोनों स्ट्रेट बिल्कुल इक्वल है या नहीं है इस तरह से, इसको सिलेक्ट करें और बिल नंबर को सिलेक्ट करें और टिक कर दें, तो ये इक्वल आ जाएंगे बिल्कुल, और जहाँ पर आपको मूव करना है कीबोर्ड में से एरो की से आप मूव कर सकते हैं इस तरह से। फिर देखिए मैसेज आपको टाइप करना है, ये देखिए मैसेज यहाँ पे है, तो वो एक टेक्स्ट टूल लें और आप या तो जगह सेलेक्ट कर लें इस तरह से, और मैसेज टैब्स मैंने आपको लगाना बताया था इसे प्रीवियस वाले वीडियोस में, टैब्स कैसे यूज़ करते हैं, तो टैब्स के लिए यहाँ पे आ जाइए और रिमूव ऑल कर दीजिए, एक बार सारी टैब रिमूव हो जाएगी, और यहाँ पे अप्रोक्स देखिए जो आपने स्पेस सेलेक्ट किया है वो करीब 4 इंच के करीब किया, देखिए यहाँ पे आ रहा है 4 लिखें, ऐड करें, और लीडर्स यहाँ पे बताया था मैंने आपको पहले भी, लीडर्स कैसे लगा देते हैं, लीडर कौन करके ओके करें, टैब प्रेस करें, एंटर प्रेस करें, इस तरह से आपका मैसेज का टाइप हो गया। यहाँ से टाइप करने के बाद में जैसे इसमें सीरियल नंबर है, पर्टिकुलर रेट क्वांटिटी वाले कॉलम बने हैं, वही आप यहाँ से बनाएं, इसको जूम कर ले जूम टूल के द्वारा, इस तरह से जूम हो जाएगा आपका, ये इस तरह से जूम कर लें, बॉक्स ले लीजिए, यहाँ से आप बॉक्स ड्रॉ करिए और यहाँ तक आप ड्रॉ करिए इस तरह से। बॉक्स का जो विथ में तो वही बिल्कुल बॉर्डर टू बॉर्डर हो जाएगा, हाइट में अप्रॉक्स 0.35 अप्रॉक्स ले लीजिए बॉक्स इस तरह से, और जहाँ सेट करना वहाँ सेट करें। बॉक्स लेने के बाद में आप बॉटम में आ जाइए, बॉटम में करीब यहाँ पे आधा इंच जगह छोड़ दीजिए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अगर लिखनी है तो आप यहाँ पे करीब आधा इंच के करीब जगह छोड़ सकते हैं कम्प्लीटली, यहाँ पे जैसे यहाँ पे छोड़ा हुआ है इसके, तो आप यहाँ पे आधा इंच के करीब जगह छोड़ सकते हैं कुछ भी कम्प्लीट टर्म्स एंड कंडीशन। कैसे छोड़ेंगे, यहाँ पे आप ये रखिए रूलर से, देखिए यहाँ से जो आपका 0 पॉइंट है इसको क्लिक करके आप कॉर्नर पर ड्रॉप करें, या आपका हाफ इंच आ गया, लाइन सेलेक्ट करें, यहाँ पर क्लिक करें, देखिए यहाँ पर निशान आ रहा है, यहाँ पर इस तरह से क्लिक करें और कंट्रोल दबाएं आप, और यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर दें, वापस F3 से छोटा कर लें, तो देखिए ये ऊपर और नीचे लाइन ड्रॉ हो गई। अब आपको क्या करना, जैसे इसमें खड़ी लाइनें ड्रॉ पर की हुई है, ये खड़ी लाइनें वैसे आपकी खड़ी लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो गई, वही जूम कर लें F2 से इस तरह से, जूम हो गया, आ जाइए फ्री हैंड लीजिए टूल, और यहाँ पर आप इसको लाइन वगैरह ड्रॉ करें। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए मैंने कहा इस पर्टिकुलर एरिया को जूम कर लीजिए थोड़ा, दिख जाएगा इस तरह से, और ये आप यहाँ ले आइए तो 0 यहाँ पे आ गया, ये रूलर का 0 पॉइंट है, यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, और ये करीब ये मतलब आपका 1 इंच, फिर हाफ इंच, उसका भी हाफ, यानी 1/4 यानी 0.25 पे यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से, और कंट्रोल दबा के रखिए,
और नीचे तक ले जाएगी इस तरह से। फिर इधर आप आ जाइए, वापस जीरो को इधर ले आइए पिक करके, और करीब यहाँ पे देखिए आपका एक इंच ज़्यादा इंच और ये पौन इंच एंड पॉइंट सेवन, यहाँ पे क्लिक करें कंट्रोल के साथ, नीचे क्लिक कर दे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरह से। इसी के साथ में ये हो गया अमाउंट। फिर ये क्वांटिटी के लिए वही हाफ इंच पे यहाँ पे इस तरह से। फिर आप यहाँ पे वेट कीजिए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दिया। देखिए जैसे इसमें बिल बुक में ड्रॉ किया हुआ है वैसे आप यहाँ पे लाइन कर, एक टोटल यहाँ पे लगाना है तो टोटल के लिए भी एक लाइन ड्रॉ कर दें आप नीचे साइड में, जूम कर लें और ये टोटल के लिए अप्रोक्स आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से। और देखिए एक लाइन इधर और पैसे के लिए, जो रुपए और पैसे लिखेंगे यहाँ पैसे के लिए भी एक लाइन ड्रॉ कर दें, वही जूम करें इसको थोड़ा सा और इस तरह से आप अप्रॉक्स यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ करें 0.25 यहाँ से लाइन यहाँ तक ड्रॉ कर दें। अब जैसे इसमें सीरियल नंबर पर्टिकुलर हेडिंग डालनी वही आप यहाँ पे डाल दें सीरियल नंबर इस तरह से आप डाल दीजिए ऊपर। थोड़ा पास पास कर दीजिए इसका इसकी दूरी इस तरह से। इसमें पर्टिकुलर लिख दीजिए ये, फिर यहाँ पे रेट आ जाएगा यहाँ पे एक कॉलम ज़्यादा बन गया थोड़ा, एक को हम डिलीट कर देते हैं गलती से, एक कॉलम ज़्यादा बन गया यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। पर्टिकुलर पर्टिकुलर आ गया वेट आ गया, यहाँ पे क्वांटिटी लिख दीजिए और यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिए इस तरह, और इनको वापस रिपोजिशन कर दीजिए इस तरह से, सेट कर दीजिए इनकी पोजिशंस। या फिर इन तीनों को सिलेक्ट करें और सी प्रेस करें तो इक्वल सेंटर आ जाएंगे पीछे को, ये रह गया आपका क्वांटिटी, यानी कि इक्वल बिल्कुल हॉरिजेंटली आपको इक्वल सेंटर करना, ई प्रेस कर दिए हॉरिजेंटली इक्वल सेंटर आ गया, फिर भी आप चाहे तो पिक करके रिपोजिशन कर सकते हैं अपने हिसाब से कहीं भी जाएगी। यहाँ पे रुपीज़ और आपको पैसे और लिखने तो अमाउंट वाले कॉलम को हल्का सा ऊपर कर दीजिए, और यहाँ पे आप आर एस और एस थोड़ा इसका साइज कम कर दीजिए करीब 7.5 तक कर दीजिए, ज़्यादा भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं, और स्पेस बढ़ा दीजिए तो रुपीज और पैसे क्लिक हो। अब आप नीचे आ जाइए छोटा करके नीचे वाले पार्ट में इस तरह से जूम करिए, यहाँ टोटल लिखें टोटल को सेट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे फोर इकोसॉफ्ट इंडिया यानी फर्म का नेम, ये वाला फर्म का नेम वहाँ पे जहाँ पे अपन को यहाँ पे टाइप करना है, तो यहाँ फर्म का नेम लिखते हैं यहाँ पे जूम करके, जो भी है आपका फर्म का नेम या जिस भी यहाँ पे लिखते हैं और उसको सेट कर दे जहाँ पे आपको सेट करना है इस तरह से। और फिर इसके बाद में ये आपका सब्जेक्ट टू
ट्रांसलेशन होती है यहाँ पे, तो ये आप अपने जितनी भी ट्रांसलेंट एक दो लाइन जितने में लिखी वो टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ पे जगह सेलेक्ट करके वो लिख दीजिए जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है, यानी कि यहाँ पे जो भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पहले से बिल्कुल में, तो यहाँ पे आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशन वो लिख दे और उसको सेट कर दे यहाँ पे आपको सेट कर दे। देखिए ये पहले से बना हुआ मैं बिल्कुल डिलीट कर रहा हूँ एक तरह से सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर। तो देखिए आप ये एक बहुत सिंपल सा बिल्कुल बन गया एक्चुअली, कि ज़्यादा हमने कोई इसमें डिजाइन नहीं किया, एक आपको एक बेस बताने की कोशिश की है कि एक बिल बुक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होंगी और वो बिल बुक कैसे बनेगा। हमने कोशिश की है केवल कि एक बिल बुक बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक पेपर साइज़ का बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसमें से हमें मार्जिन वगैरह निकालना पड़ेगा, कितना कितना कितने कितने मार्जिन हमें ड्रॉप करना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ समझ में आएगी, यानी ये हमने आठ के साइज में ग्रुप बनाया, आठ के साइज बिल्कुल आठ के साइज में ग्रुप बनाया ध्यान रखें, यानी इसका विथ 5.5x9 यानी विथ हो गया 5.5x और हाइट हो गया 9, यानी ये हाइट 9 हो गया और विथ इसका 5.5 हो गया बिल्कुल। और ये इसके कंटेंट्स हैं और ये जो बॉर्डर एक्चुअल पेपर साइज है 5.5x9 और उसके अंदर आपको राइट साइड 1/2 इंच ड्रॉप करना है, लेफ्ट साइड भी आपको 1/2 इंच ड्रॉप करना है, बॉटम भी आपको 1/2 इंच ड्रॉप करना है, और जो टॉप साइड है टॉप साइड की मार्जिन इतना ड्रॉप क्यों किया है, क्योंकि बिकॉज टॉप साइड से बिल्कुल बाइंड होगा और बाइंड होगा जिस साइड से, यानी उसका स्लैब वगैरह होता है स्टेपल वगैरह होता है तो उस साइड थोड़ा मार्जिन एक्सेस चाहिए, इसलिए हमने टोटल 1.5 इंच छोड़ा है। कई लोग इसको 1 इंच भी छोड़ते हैं, वो डिपेंड करता है ऑपरेटर के ऊपर, पर अप्रॉक्स मान के चलिए आप अगर 8 का साइज का बिल्कुल बना रहे हैं, आप अगर इस साइज का बिल्कुल बना रहे हैं तो मान के चलिए टॉप साइड है वो करीब करीब आपको जो मार्जिन छोड़ना होगा वो करीब 1.5 इंच मार्जिन छोड़ना पड़ेगा बिल्कुल 100%, क्योंकि उससे क्या गलती होने के चांसेस कम रहेंगे बिल्कुल और गलतियां कम होगी। तो इसलिए कोशिश करिए आप कि गलतियां कम हो। और फिर इसके बाद में देखिए मैंने कहा कि देखिए आपका टिन नंबर बिल बुक में जरूरी होता है, कैश क्रेडिट मेमो बिल्कुल, मोबाइल नंबर बिल्कुल, फर्म का नाम और एड्रेस ये भी बिल्कुल का एक मेन पार्ट, उसके बाद में बिल नंबर और डेट, ये बिल नंबर आपका और ये डेट, मैसर्स यहाँ पे जिसको हम सेल्स वगैरह करेंगे उसका नेम भी बहुत जरूरी है। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सीएल नंबर पर्टिकुलर है, रेट है, क्वांटिटी है और अमाउंट बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, इन सारी चीज़ों को आप लिखें, बहुत नेसेसरी पार्ट है ये। फिर इसके बाद में जो मैंने कहा लाइंस वगैरह आप ड्रॉ करें टोटल लिखें यहाँ पे, और फोर इकोस ऑफ इंडिया जीसी यहाँ पे जो फर्म का नेम है ये उसका नाम लिखो, और टर्म्स एंड कंडीशन तो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी, तो आप कोशिश करेंगे आप बना लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी, लाइक करें वीडियोज़ को, कमेंट जरूर लिखें, और आपको अगर बिल बुक बनाने में किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम या वीडियो नहीं समझ में आया ये तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करें, हम कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं को दूर करने की। और प्लीज़ अगेन आई वांट टू से प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन। ओके थैंक यू, बाय बाय।